मज्जू सेठ ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन यूनाइटेड फुटबॉल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इस टूर्नामेंट में देश भर से आई हुई दिग्गज फुटबॉल टीमों समेत नागपुर काउंटी की टीमों द्वारा हिस्सा लिया जाता है। मज्जू सेठ ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट ये 4 जनवरी से 14 जनवरी तक चलने वाला है। आज इस टूर्नामेंट का नॉकआउट मैच खेला गया, जो अंसार फुटबॉल क्लब काउंटी वर्सेज जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। आज ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में नवीन काउंटी पुलिस स्टेशन के PI प्रमोद पोरे समेत काउंटी शहर की जनता बड़ी संख्या में उपस्थित थी। PI प्रमोद पोरे सर ने यूनाइटेड फुटबॉल वेलफेयर एसोसिएशन और एहफाज अहमद समेत उनकी पूरी टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और पूरी टीम के सहयोग से ही ये संभव हो पाता है। काउंटी के युवाओं के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट के आयोजन से बच्चों में खेल के प्रति दिलचस्पी बढ़ती है। आज का मैच काफी टेंशन से भरा रहा, लेकिन दर्शकों के लिए काफी उत्साह भी बना रहा। मैच खत्म होने तक दोनों टीमों द्वारा एक भी गोल नहीं किया गया, जिससे ये मैच टाई हो गया। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट द्वारा विनर चुना गया। दोनों टीमों को 5 बार गोल करने का मौका दिया गया, जिसमें अंसार क्लब काउंटी द्वारा 3 गोल किए गए और ये तीनों गोल जर्सी नंबर 2 मोहम्मद साद, जर्सी नंबर 3 इब्राहिम खान और जर्सी नंबर 12 शुभम ने किया। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की ओर से जर्सी नंबर 15 केसरू और जर्सी नंबर 17 टोपनो द्वारा गोल किया गया। इसी के साथ कल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के 2 मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच नॉकआउट में CISF दिल्ली वर्सेस राहुल क्लब नागपुर के बीच सुबह 12 बजे खेला जाएगा। दूसरा मैच ये लीग मैच रहेगा, जो MEG बैंगलोर वर्सेस MYJ मुंबई के बीच खेला जाएगा। मैं काउंटी में अभी 8-9 महीने से काम कर रहा हूँ, तो काउंटी में टूर्नामेंट के बारे में मैंने सुना था, लेकिन इस बार अरबत भाई ने हमें बोला, कल परसों मुझे इन्विटेशन भी दिया था, तो ऑल इंडिया लेवल की इतनी अच्छी नेशनल लेवल की टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इनका 9वां साल है, 9 साल से ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। अदर स्टेट की यहाँ का लोकल की भी 4 टीमें हैं, अदर स्टेट से भी 8 या 9 टीमें आई है, और इनका मतलब अरेंजमेंट जो मैंने देखा रहने का खाने का, मतलब जो भी अरेंजमेंट किया बहुत अच्छा किया है, तो मुझे नहीं लगता था कि काउंटी में भी इतनी बड़ी टूर्नामेंट लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं भी ऑल इंडिया लेवल पे खेल चुका हूँ। हम जहाँ पे जाते थे कि एक आध टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना और उनके लिए उनकी सब व्यवस्था देखना, इंतजाम देखना, ट्रैवलिंग का जो उनका ये होता है वो देखना बहुत बड़ी दिक्कत का काम रहता है। मैंने वो खुद हमने भी 10-15 सालों में बहुत सी टूर्नामेंट, मुझे यहाँ से 10-15 साल पहले बहुत सी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है। इनमें कितनी तकलीफ और कितनी मेहनत लगती है ये मैं खुद जानता हूँ, इसलिए मैं इनको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी बड़ी और इतनी अच्छी टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है ऑल इंडिया लेवल की, उनका शेड्यूल भी देखा बहुत बढ़िया एकदम, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये टूर्नामेंट एकदम सफल रहे। ये जो टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज की जाती है उसके पीछे हेतु यही होता है कि बाबा ये टूर्नामेंट देख के जो जवान बच्चे हैं जो आज फालतू बाकी चीज़ों में लगे हैं, तो पढ़ाई करने के साथ में खेल में भी शामिल हो जाए, इसमें सेहत बनती है, दिमाग अच्छा चलता है, और आगे भी स्पोर्ट्स में अगर उन्होंने कुछ स्टेट या नेशनल लेवल पे कुछ प्लेसेस कुछ हासिल किया तो गवर्नमेंट ने 5% उनको रिजर्वेशन रखा हुआ है, जो उसमें जॉब प्रोवाइड की जाती है, और अदर पब्लिक और स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत सा डिफरेंस है उसमें। स्पोर्ट्स वालों को थोड़ा सा स्टडी में दिक्कत आ जाते तो उनके लिए उन्होंने फैसिलिटेज किया है, तो इसलिए 5% गवर्नमेंट में इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, और यही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का हेतु यानी यही मकसद ही यही होता है कि तो बाबा बच्चे आजकल के जवान बच्चे हैं तो खेल की तरफ मुड़ जाए। तो मेरे गामटी वासियों को यही दरख्वास्त रहेगी, आप बच्चों को निवेदन रहेगा कि ये मैचेस देख के इनको भी जरा बढ़ावा मिले और गेम में शामिल हो जाए। वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक, ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी।